मूवी के स्टार्ट में सोफिया क्लोवर के लिए वेजेस लेके आती है, बट क्लोवर नींद से नहीं उठ रहा होता। निया, रॉबिन और वॉटन आते हैं और सोफिया से पूछते हैं कि वो क्या कर रही है। सोफिया कहती है, मैं क्लोवर को स्नैक दे रही हूँ, बट वो उठ नहीं रहा। रॉबिन शॉक्ड हो जाता है, कहते हैं क्लोवर फूड के लिए नहीं उठ रहा और तुम कब से क्लोवर को उठाने का ट्राई कर रही हो। सोफिया कन्फर्म करती है और अपने एनिमल फ्रेंड से पूछती है क्या हुआ है। नॉर्मली क्लोवर फूड के लिए उठ जाता है। रॉबिन एक्सप्लेन करता है, कहता है ये डीप स्लीप है, एक ऐसी इंचांटेड स्लीप जो एनिमल्स को काफ़ी टाइम के लिए सुला देती है। तभी अचानक जेम्स आता है, कहता है रेक्स नहीं उठ रहा। सोफिया कहती है ये डीप स्लीप की वजह से है। जेम्स कहता है एक फेरी इसका क्योर ढूंढ रही है, बट अभी तक क्योर नहीं मिला है, और जेम्स वहाँ से चला जाता है। सडनली सोफिया का एम्यूलेट ग्लो करता है और सोफिया वॉटनेट के साथ गायब हो जाती है। सोफिया के जाने बाद मिया और रॉबिन भी डीप स्लीप में चले जाते हैं। सोफिया और वॉटनेट एक ब्लैक एंड वाइट आइलैंड पहुंच जाते हैं। सोफिया याद करती है कि उसने कैसे प्रिंसेस चार्लेट की हेल्प की थी। सोफिया को रियलाइज होता है कि उसके नेकलेस उसको प्रिंसेस की हेल्प करने के लिए लेके आया है, और तभी प्रिंसेस रिवील हो जाती है। वो प्रिंसेस आईवी होती है। सोफिया आईवी की ओल्डर सिस्टर के आइलैंड पे होती है, जो डिस्ट्रॉय होता है। आईवी सोफिया को देख के हैप्पी नहीं होती, पूछती है तुम यहाँ क्या करने आई हो, तुमने मुझे कहाँ भेजा था। सोफिया कहती है मैंने नहीं, तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हें यहाँ भेजा है। आईवी कहती है मैं बस अपना किंगडम चाहती थी और तुम्हारी वजह से सब खराब हो गया और मैं यहाँ कलरलेस आइलैंड में फंस गई हूँ। सोफिया कहती है क्योंकि मैंने तुम्हें इंचांसिया टेक ओवर करने से रोका था। आईवी कहती है तुम यहाँ क्यों आई हो। सोफिया कहती है मेरे एम्यूलेट ने मुझे यहाँ प्रिंसेस की हेल्प के लिए भेजा है। आईवी कहती है नो थैंक्स, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, मैं अपनी बटरफ्लाइज के साथ बिजी हूँ। बट आईवी की पेट रोमा सोफिया को बताती है आईवी की बटरफ्लाइज मिसिंग है। सोफिया इंसिस्ट करती है और अपने एनिमल फ्रेंड्स का भी बताती है, और आईवी मान जाती है। आईवी इंचांटेड नेट लाती है, कहती है इसमें सारी बटरफ्लाइज आ जाएंगी। सोफिया वॉटनेट को कहती है देखो बटरफ्लाइज कहाँ है। वॉटनेट ट्री पे जाती है और बटरफ्लाइज को देखती है और बताती है बटरफ्लाइज आइलैंड की दूसरी साइड पे हैं। सब बटरफ्लाइज को पकड़ने जाते हैं और जाते हुए एक ग्रुप नेम के बेयर से मिलते हैं। आईवी बेयर को हटाने के लिए ड्रैगन फ्लाइज से अटैक करने वाली होती है, बट सोफिया आईवी को रोक देती है। सोफिया बेयर के पास जाती है और बेयर की प्रॉब्लम पूछती है। बेयर कहता है वो भूखा है। सोफिया वॉटनेट को बेयर के लिए फ्रूट तोड़ने को कहती है। बेयर फ्रूट खाता है और हैप्पी हो जाता है, और सब आइलैंड की दूसरी साइड पहुंच जाते हैं। तब कलरलेस मिरर पे पहुंच जाते हैं और आईवी को कलर्स देख के अच्छा फील नहीं होता। सब नोटिस करते हैं बटरफ्लाइज अपने कलर चेंज कर रही हैं। सोफिया एक फ्लावर तोड़ती है और उस फ्लावर की हेल्प से बटरफ्लाइज नेट में बंद हो जाती हैं। आईवी सोफिया का थैंक्स करती है और दोनों एक दूसरे को बाय बोलती हैं। आईवी के जाने के बाद सोफिया सोचती है उसका काम फिनिश हो गया है और वेट करती है उसका एम्यूलेट उसे वापस भेज दे। आईवी सोफिया को कहती है तुम गई नहीं अभी तक। सोफिया कहती है मुझे नहीं पता। आईवी कहती है आई डोंट केयर और चली जाती है। अचानक फ्लावर पे बर्ड गिरता है और डीप स्लीप में होता है। सोफिया देखती है मिस नेटल मिरर्स में कुछ ढूंढ रही है और मिस नेटल गुड डीड्स कर रही होती है। मिस नेटल सोफिया को बताती है उसने एक फ्लावर क्रिएट किया है जो डीप स्लीप का क्योर है, और वो फ्लावर द वेकअप डिजी है। सोफिया हैप्पी हो जाती है और मिस नेटल बर्ड पे क्योर ट्राई करती है और बर्ड ठीक हो जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली फ्लावर्स डल हो जाते हैं। बर्ड कहती है उसे आईवी की बटरफ्लाइज चाहिए डीप स्लीप को तोड़ने के लिए। सोफिया को रियलाइज होता है उसने मिस्टेक हो गई है और सब बटरफ्लाइज को लेने चाहते हैं। सब आईवी के पास पहुँच जाते हैं और कहते हैं बटरफ्लाइज को रिलीज करो, बट आईवी मना कर देती है, और सडनली वॉटनेट भी सो जाती है। आईवी नहीं मानती और चली जाती है, बट सोफिया और मिस नेटल हार नहीं मानते और कैसल के अंदर जाते हैं। सोफिया को रोमा देख लेती है। सोफिया रोमा से मिलती है, कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। रोमा सोफिया की हेल्प करती है और सोफिया बटरफ्लाइज को फ्री कर देती है और मिस नेटल के साथ आइलैंड की दूसरी साइड जाती है। आईवी बटरफ्लाइज को देखने आती है, बटरफ्लाइज गायब हो जाती हैं। आईवी को पता चल जाता है रोमा ने सोफिया की हेल्प की है, और आईवी रोमा पे बहुत गुस्सा होती है और बटरफ्लाइज को पकड़ने जाती है, और जाते हुए सोफिया देखती है बेयर भी सो जाता है। सोफिया और मिस नेटल मिरर पहुंच जाते हैं, बट आईवी ड्रैगन फ्लाई से अटैक करती है। कहती है इन्हें वापस दो वरना तुम पर भी अटैक कर दूंगी।
रोमा अपनी लॉयल्टी प्रूव करती है और बटरफ्लाइज कैप्चर हो जाती हैं। और रोमा सोफिया को सॉरी करती है। आइवी रोमा से हैप्पी होती है और रोमा पे गुस्सा करने के लिए आइवी सॉरी करती है। सडनली रोमा भी डीप स्लीप में चली जाती है और आइवी ये देख के अपसेट हो जाती है और रोना स्टार्ट कर देती है। आइवी कहती है, ऐसी फीलिंग्स मुझे पहले कभी नहीं हुई हैं। सोफिया कहती है, ये इसलिए है क्योंकि तुम अपनी ओनली फ्रेंड की केयर करती हो और इसका क्योर सिर्फ बटरफ्लाइज हैं। आइवी का हार्ट चेंज हो जाता है और आइवी बटरफ्लाइज को फ्री कर देती है और बटरफ्लाइज डेजी को फिर से रिबॉर्न कर देती हैं और क्योर पहुँच जाता है। आइवी क्योर लेती है और सोफिया को कहती है, पहले वॉटनेट को ठीक करो। सोफिया क्योर वॉटनेट पर डालती है और वॉटनेट ठीक हो जाती है। फिर आइवी रोमा पर क्योर डालती है और रोमा भी ठीक हो जाती है और रोमा को ठीक देख आइवी बहुत हैप्पी हो जाती है। ये कहती है, चलो सब एनिमल्स को ठीक करें और सब फ्लावर्स को कलेक्ट करते हैं। आइवी आती है, सोफिया का थैंक्स करती है और सॉरी करती है। कहती है, मैंने ऐसी फीलिंग्स कभी फील नहीं की और अब मिस नेटल की हेल्प करूंगी डेजी को ग्रो करने में। सोफिया कहती है, बट तुम्हें तो कलर्स पसंद नहीं है। आइवी कहती है, मिस नेटल ने मेरे लिए क्लासेस बना दिए हैं। सोफिया शौक हो जाती है। मिस नेटल और आइवी फ्रेंड्स बन जाते हैं। सोफिया कहती है, तुम्हारे फ्रेंड्स ने कुछ बनाया है तुम्हें थैंक्स करने के लिए, थ्रोन बनाया है। आइवी थ्रोन देख के हैप्पी होती है। कहती है, मेरी विश थी मेरा अपना किंगडम हो और वो मुझे मिल गया है। सोफिया का एमुलेट ग्लो करता है और जाते हुए मिस नेटल सोफिया को क्योर देती है। सोफिया रोबिन और मिया पे क्योर डालती है और दोनों ठीक हो जाते हैं। फिर क्लोवर पे डालती है, क्लोवर भी ठीक हो जाता है। यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।